As students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is RER is the rough endoplasmic reticulum. ये सही दिया हुआ है. RER जो होता है, हमें पता है कि endoplasmic reticulum जो है, इसका जो दो टाइप होता है, एक कौन सा होता है? Rough endoplasmic reticulum और दूसरा कौन सा होता है? Smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे जो rough endoplasmic reticulum है, इसकी अगर हम बात करें, तो इनमें कैसा होता है? कि यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो होता है, इसका जो structure है, इसमें अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो इनके सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है. और हमें पता है कि राइबोसोम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में. तो यहाँ पे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सर्फेस. यहाँ पे राइबोसोम जो सर्फेस पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो सर्फेस है वो क्या है, यहाँ पे रफ है, इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं. तो ये तो सही दिया. रीजन क्या है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम्स. करेक्ट है यहाँ तो रीजन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो यहाँ पे इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, रफ सरफेस है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. सो ये दोनों करेक्ट है. रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन. सही है, दोनों के दोनों ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन. गलत है, क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. गलत है, रीजन फॉल्स नहीं है, ट्रू है. बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज ए. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.